कोविड काल में किसी अन्य अस्पतालों में कार्यरत नर्सों को विज्ञापन प्रकाशित कर अपने जिले में काम करने के लिए बुलाकर उनको धोखे में रखकर काम कराया गया और बिना कारण अग्रिम सूचना के सभी को एक साथ कार्य मुक्त कर दिया गया, जिस कारण एक दिवसीय धरना सदर अस्पताल के सामने रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश सदस्य इंटक प्रदेश सचिव दिलीप तिर्की और जिला सचिव फनी मुकुट उपस्थित हुए। साथ ही जिला के सिमडेगा, कोलेबीरा और ठेठई टांगर सदर अस्पताल के कार्य मुक्त नर्स धरने में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिविल सर्जन मुर्दाबाद, हमारी नौकरी वापस दो, जिला प्रशासन हाय हाय, हमारी बकाया वेतन भुगतान करो, आईसीयू पीआईसीयू वार्ड को खोला जाए जैसे नारे लगाए गए। दिलीप ने अपने संबोधन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ये वही नर्स है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ही, जब आप अपने परिवार से दूर भागते थे, इन्होंने सेवा दी। ये वही नर्स है जिन्होंने अपने नवजात बच्चों और परिवार को घर पर छोड़ छोड़ कर आप लोगों की सेवा कर जिला को कोरोना मुक्त करने में योगदान दिया है। दिलीप ने सिविल सर्जन को अपने वक्तव्य में कहा कि आज हम सड़क पर धरने दे रहे हैं, लेकिन ये बात यहाँ से शुरू होकर माननीय उच्च न्यायालय तक जाएगी। अपने आदिवासी लड़के लड़कियों को झूठ बोलकर इनका दोहन और शोषण किया है। आपने इन्हें कहा था कि सदर अस्पताल के आईसीयू और पीआईसीयू कभी बंद नहीं होते, आपको यही हमेशा काम करना है, और आज आपने इनके साथ छल किया है। इन चीज़ों के लिए एसटीएससी एक्ट के तहत सीएसयू पर केस भी दर्ज कराया जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसलिए है हमारा, क्योंकि इन लोगों के साथ में बहुत गलत हुआ है। ये हमारी वो नर्स हैं जिन्होंने कोविड काल में सेवाएं दी हैं, इन्हें ठग करके बाहर से बुलाया गया है, और बाहर से बुलाने के बाद में आज इनको बिना अग्रिम सूचनाओं का इन्हें निकाल दिया गया है। इनका वेतन भी बकाया है, आज तक प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है, और सरासर इनके साथ में धोखा हुआ है। और निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए बैठे हैं। इस धरना प्रदर्शन के बाद हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, और हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से हम इनके लिए न्याय की दरख्वास्त करेंगे और इन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकें, ऐसा हम इनके लिए, यही हमारी प्राथमिकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।